नमस्कार, स्वागत है आपका NHICS MPPSC के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग इसमें देख रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, जिसमें से हम लोग एक वीडियोस में देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन और दूसरे वीडियोस में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, है ना। तो इन दो वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग अल्टरनेट डेज में हर टॉपिक के अलग अलग दिन क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे UPSC, अदर स्टेट PSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज फिजिक्स में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए आपकी मोटिवेशन लाइन, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रसरी आवत जाते शिल्पर परत निशान। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने मूल्यांकन के लिए MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और अपने नंबर जांचते रहें कि आपने कितना पढ़ा है और कितना वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगपूर्ण है। आज हम लोग का जो विषय है वो होने वाला है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ये थर्ड टॉपिक होगा फिजिक्स का। इससे संबंधित प्रश्नों में हम लोग देखते हैं कि अपने पास कौन से आज प्रश्न उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। तो आपको पता होगा इसमें इसका सही उत्तर होगा उबलता हुआ जल। उबलते हुए जल से आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है और ये CDS 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। तो संवहन के कारण ऊष्मा की हानि किसमें नहीं होती है? तो इसमें जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ये उसमें ये संवहन के कारण नहीं होता, जबकि उबलता जल संवहन कारण इसमें ऊर्जा की हानि होती है। भूमि और समुद्री मंद पवन में भी ऊष्मा की हानि जो होती है तो संवहन के कारण होती है। वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, तो इसमें भी ऊष्मा की हानि संवहन के कारण होती है, है ना। जबकि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, यह संवहन के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। तो यहाँ पे सिद्धांत सीधा सा पूछा, तो इसका सही उत्तर होगा कैलोरी मिति का सिद्धांत, है ना। कैलोरी मिति का सिद्धांत है, उसमें ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध प्रतिपादित होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमान टी और सेल्सियस तापमान TC के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे कुछ संबंध दिए गए हैं, उनमें से सही संबंध को आपको बताना है। तो इसका सही संबंध होगा कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल TC प्लस 273.15, है ना। तो ये केल्विन तापमान कैपिटल टी और सेल्सियस तापमान TC के बीच सही संबंध है, है ना। तो केल्विन तापमान इक्वल टू सेल्सियस तापमान प्लस 273.15। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, है ना। तो इसमें आपको फ़ारेनहाइट स्केल की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपने पास कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, है ना। जो संवहन प्रक्रिया है उसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है, तो किस में हो सकता है? ठोस में, गैस में, द्रव में, किस में हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा गैस एवं द्रव में, है ना। ठोस में संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, अतः केवल गैस और द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। यह MPPSC प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, है ना। आप इसको संबंध क्वेश्चन के द्वारा आप इसे तैयार कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है क्या? फ़ारेनहाइट 9/5 केल्विन प्लस 32, है ना, इसका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपने पास, अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है अपने पास कि ताप गतिकी का प्रथम नियम, है ना, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है, है ना। तो ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय का नियम और ऊष्मा ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा के संरक्षण का नियम, है ना, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ये जो है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को संबद्ध करता है। अगला है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों।
है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आपने कई बार पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, एनसीईआरटी बुक्स में, है ना। तो इसका सही उत्तर होता है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लिया जाता है और बिस्किट कुरकुरा हो जाता है। अगला प्रश्न है अपने पास कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनका कारण भी दिया गया है, तो हमें इसे पता करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। कथन कहता है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण कहता है कि इसका कारण ये है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट दे दिया है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, है ना। तो ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, बिल्कुल सही कथन है, और ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ये भी सही कथन है, है ना। लेकिन यहाँ पे उत्तर बी सही होगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, है ना। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। इसका कारण है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और कारण जो है तो कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा इसमें से। अगला प्रश्न है अपने पास कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो इसका आयतन क्या होता है, है ना। तो इसका आयतन हमें बताना है कि जब उसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन क्या होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, है ना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, है ना। दो निकाय हैं कोई भी, उनके मध्य जो ऊष्मा का प्रवाह होगा उसकी दिशा निर्भर करती है किस पे, तो उनके अपने अपने तापमान पर। आपको पता होगा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो क्या है, तापमान पर अपने निर्भर करेंगी। अगला प्रश्न है, उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों। ये क्वेश्चन आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, है ना। इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में संवहन होता है, है ना। तो संवहन अभी अपन ने पढ़ा था कि संवहन जो है ठोस में नहीं होता है, है ना। ठोस में जो है तो संवहन नहीं पाया जाता, बाकी द्रव और गैसों में पाया जाता है। तो यहाँ भी ठोस है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। सी विकल्प में भी ठोस है और डी विकल्प में भी ठोस है, मतलब विकल्प बी सही होगा, केवल द्रव और गैसों में संवहन क्रिया पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, चाहे जब वह हो, है ना। तो जब क्या हो, तब वह ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण करता है। इसका सही उत्तर होगा काला और खुरदुरा, है ना। यदि कोई पिंड काला है और खुरदुरा है तो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता की बात की जा रही है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में आप व्यक्त करेंगे। तो इसका जो मात्र होता है प्रतिशत, प्रतिशत के रूप में हम लोग क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, भीषण गर्मी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। भीषण गर्मी में ठंडे क्षेत्रों में या देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पानी जो है तो बर्फ़ के रूप में जम जाता है, और जब बर्फ के रूप में पानी जम जाता है तो उसका आयतन क्या है, आयतन उसका बढ़ जाता है ना। इससे क्या होता है, पाइपें फट जाती हैं। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, वह कौन सा है, है ना। तो कौन सा एक तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर तापमान एक ही होता है। तो यह इसका उत्तर आपको याद करना है डायरेक्टली, -40 डिग्री, है ना। तो -40 डिग्री में तापमान जो है तो बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ये UPPCS में आया हुआ प्रश्न है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों, है ना। तो हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा जो रक्त है वह वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, है ना। तो हमारे शरीर का जो रक्त है वह वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों, है ना। तो गर्म मौसम में जब कभी आप बाहर से आएँ और आपके पसीना चलता रहे और आप फैन ऑन कर दें तो क्या होता है, आपको ठंडी लगती है ना, आपको आराम महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। डेजर्ट कूलर जो होते हैं उसमें शीतलन किस पर आधारित होता है, तो ये वाष्पन शीतलन, वायु के द्वारा वो क्या करते हैं,
वो ठंडा करते हैं ना, तो वाष्पन शीतलन जो है तो आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि इसमें कथन और कारण की बात की गई है। कथन कहता है कि तांबे के एक टुकड़े को और कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है ना। क्या कह रहा है कि कांच का टुकड़ा है तो वो तांबे की अपेक्षा अधिक गर्म लगेगा, है ना। अब कारण कह रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर ये होगा, दोनों विकल्प सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है ना। तो मतलब एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म करते हैं, इसके बाद जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो हमें तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है ना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तांबा जो है तो अधिक गर्म लगेगा, और तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि इस कारण से उसे घनत्व के अधिकता के कारण से वह अधिक गर्म लगता है। अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट यंत्र जो होता है तो वह क्या करता है ना। थर्मोस्टेट यंत्र आपको पता होगा, थर्मोस्टेट है ना, तो क्या करेगा, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है ना। आपने बॉटल्स देखी होंगी, है ना, उसमें क्या होता है, वो बॉटल्स में पानी जिस तापमान पर आप रखेंगे, गर्म रखेंगे तो गर्म, ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहता है, वही क्या होता है, थर्मोस्टेट होती है। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप क्या है ना। तो परम शून्य ताप के बारे में आप बताएंगे कि परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक ताप से न्यूनतम संभव ताप, जो भी संभव ताप होता है उससे सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम मान संभव हो सके, है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न है थर्म, थर्म किसकी यूनिट है, तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले ही सॉल्व किया था कि थर्म किसकी यूनिट होगी, ऊष्मा, है ना। आप थर्मामीटर से आप इसको याद रखिएगा, ऊष्मा, है ना। अगला प्रश्न है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, निम्नतम जो तापमान होता है तो किसके द्वारा मापेंगे हम लोग, तो निम्नतम तापमान मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तो विकल्प ए सही हो जाएगा कि अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा निम्नतम तापमान को मापा जाता है। अगला प्रश्न है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, ऐसा क्यों होता है ना। तो इसका जो सीधा सा कारण है वो क्या है कि बादल जो हैं तो पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, है ना। जो बादल होते हैं तो पृथ्वी और हवा में जो ऊष्मा का विकिरण होता है उसको रोक देते हैं, जिससे बादल आच्छादित रातें जो हैं तो स्वच्छ आकाश वाली रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं, है ना। गाँव बोला जाता है उमस बढ़ रही है ना, तो वही है। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इसमें तीन चार विकल्प दिए गए हैं कि आप क्या करेंगे, है ना, रसोई गैस खोल देंगे कि पानी को बहा देंगे, ठोस को पिघलाएंगे, या संपीड़ित गैस को छोड़ने पर, तो इसका सही उत्तर होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने पर, है ना, विकल्प बी जो है तो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, है ना, तो इसमें चार कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है तो सही नहीं होगा। अपन कथन पढ़ते हैं, पहला कथन है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो ये गलत हो गया, है ना। एयर कंडीशनर तो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन कूलर जो है तो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। अगला स्टेटमेंट है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और अगला स्टेटमेंट दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल, तो इसमें से जो बी विकल्प है वो गलत हो जाएगा, क्या था कि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि कूलर जो है तो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कि पानी का स्तर क्या रहेगा, वही रहेगा, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन और था कि जो बर्फ पानी में डाली जाती है तो उसका कितना हिस्सा जो है तो बाहर दिखता है, तो 1/9 हिस्सा जो है तो उसका बाहर दिखता है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है अपने पास कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्यों, जो शीत कोष्ठ रहते हैं, है ना, कोल्ड स्टोरेज रहते हैं वहाँ पे जो है तो फल अधिक समय तक क्यों चलते हैं ना, क्यों वो स्टोर रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होता है कि उनकी जो श्वसन दर होती है उसे घटा दिया जाता है ना, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता जो है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता भी बढ़ जाएगी, तो मतलब विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आज का आखिरी प्रश्न है अपने पास कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन स्टेटमेंट में एक जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो उसके बारे में बताना है। पहली स्टेटमेंट है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल
तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है कि दाब पर ध्वनि का वेग जो है तो निर्भर नहीं करता है। अगला है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो गलत, ऐसा नहीं होता है ना। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि के वेग में कमी नहीं आती है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, है ना। तो ये सही है, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये ऊष्मा गतिकी और ऊष्मा संबंधित टॉपिक के 34 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, है ना। आपको क्या करना है, आपको NCERT अन स्टैंडर्ड बुक से इस टॉपिक को पढ़ना है और फिर अपना स्वतः मूल्यांकन करना है कि आप इनमें से कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आपका स्कोर 25 से 30 के बीच रहता है, है ना, तो आप सुरक्षित हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन 25 से कम स्कोर है यदि आपका, तो आपको अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है, है ना। तो आप रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और अपना मूल्यांकन जरूर करें। तो चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि NHICS का ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं, है ना, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।